हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं जिन्नार दो छोटा महादेव जिसे कहा जाता है। ये शिव जी का मंदिर है जो हम शिव जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आज है शिवन्या का बर्थडे, तो आज शिवन्या हमारी पूरी 4 साल की हो जाएगी। तो हमने सोचा चलिए आज भगवान के दर्शन के साथ शुरुआत की जाए। शिवन्या बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि कल शिवन्या के पापा जी आए हैं तो उसे सरप्राइज़ दिए हैं। तो वो जैसे ही सो के उठी और उसने देखा कि मेरे पापा, तो बहुत खुश हुई कि पापा जी आप आए मुझे सरप्राइज़ देने के लिए, बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो हम लोग आ गए हैं ये जन्नार देव में। ये छोटा महादेव है जो बहुत ज़्यादा फेमस जगह है। काफ़ी महादेव, जब यहाँ महाशिवरात्रि का मेला लगता है तब यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि महाशिवरात्रि का जो मेला होता है, लोग जो बड़ा महादेव जाते हैं, वो यात्रा जो है उनकी वो यहीं से शुरुआत होती है। पहले वो छोटा महादेव आते हैं और छोटा महादेव आने के बाद में यहाँ से वो बड़े महादेव की शुरुआत करते हैं। तो एक धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये स्थान बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि एक समय यहाँ पर शिव जी आए थे, तो इसलिए इसको पहली पायरी कहा जाता है। ये देखिए, यहाँ पर एक बड़ा सा वृक्ष है जिसके नीचे एक नाग बना हुआ है, जिसको बचपन में हम सोचते थे कि ये ओरिजिनल नाग है। और अभी ये पेड़ों को काट दिया गया है काफ़ी ज़्यादा। ये देखो, आपको पीछे दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था तो इसको अभी काट दिया गया है। मैं भी कई लगभग 1 साल बाद गई हूँ तो यहाँ पर देखा मैंने कि पेड़ काट दिया गया है और बंदर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो हमें लकड़ी लेके जाना पड़ रहा था। भवानी शिवन्या मतलब वो किसी का भी प्रसाद छीन के भाग रहे थे। और ये जिस मंदिर को हम जा रहे हैं, ये मंदिर बहुत ज़्यादा सबसे प्राचीन मंदिर है। मतलब सब यहाँ की मान्यता बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पर लोग मन्नत मांगने दूर दूर से आते हैं। और देखिए, इस तरह से यहाँ त्रिशूल चढ़ाया जाता है। और ये है सबसे प्राचीन मंदिर शिव पार्वती जी का। यहाँ ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो इस मंदिर में आके मनोकामना करते हैं। तो ये जो आपको पीछे ये शिव जी की मूर्ति दिख रही है, ये एक लकड़ी के स्वरूप में है। तो यहाँ पर मतलब मनोकामना आप रखते हैं और झूला, यहाँ पर जब जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती तो लोग झूला बांधते हैं यहाँ पर छोटा सा लाके, जिनकी गोद भर जाती है। और यहाँ पर माता जी के पास में आके यहाँ पर आप जो भी मन्नत मांगते हैं तो पूरी हो जाती है। तो देखिए, इस प्रकार से झूला लोग जब जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो आते हैं। और ये जो यहाँ पर है शिव जी, ये वृक्ष के रूप में यहाँ पर स्थित है। कहा जाता है कि शिव जी ने अपना पहला कदम यहीं पर रखा था, इसलिए इस जगह को पहली पायरी कहा जाता है। और जो महाशिवरात्रि में जो यहाँ पर मेला लगता है, तो जो बड़ा महादेव लोग जाते हैं तो वो इसी स्थान से यहाँ पर अपनी यात्रा को शुरुआत करते हैं। महाशिवरात्रि में और संक्रांति में यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ पर महाराष्ट्र से और कई जिलों से लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी होती है इस स्थान पर। और ये देखिए, यहाँ ऊपर काफ़ी ज़्यादा त्रिशूल है। और ये है वो मंदिर, प्राचीन मंदिर जो कहा जाता है। सूर्यकुंड ये जो आपको स्थान दिख रहा है, ये जो जल आ रहा है, ये जल स्रोत नेचुरल है यहाँ पर। मतलब ये कोई पाइपलाइन से नहीं है, ये नेचुरल है। जो पहाड़ों से पानी आता है, इसको अभी तक मतलब किसी ने जाना नहीं है कि ये जल आता कहाँ से, लेकिन ये कंटिन्यू आता है। तो शिवरात्रि के समय जब यहाँ मेला लगता है और संक्रांति में यहाँ स्नान करने आते हैं लोग, बहुत दूर से आते हैं। और काफ़ी सुंदर मंदिर है, आप यहाँ पर कभी भी अपनी फैमिली के साथ में आ सकते हैं और शिव जी के दर्शन कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छी जगह है ये जन्नार देव। ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि इस जल से स्नान करने से सारे रोग मिट जाते हैं। तो जब भी यहाँ पर लोग आते हैं तो इस जो जल से स्नान करते हैं, इसे पीते हैं और इसे घर भी ले जाते हैं। इसे काफ़ी, इस जल को पवित्र माना जाता है और इस स्थान को भी बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस स्थान पर शंकर भगवान स्वयं आए थे। तो इसलिए ये छोटा महादेव और से पहली पायरी कहा जाता है। और अभी सावन अभी ख़त्म हुआ है लेकिन बारिश कम हुई है, तो यहाँ पर अभी आपको पानी दिख नहीं रहा है, नहीं तो यहाँ पर पीछे भी पानी बहुत ज़्यादा भरा रहता है। और काफ़ी अच्छा स्थान है। और यहाँ देखिए शिवन्या वाणी जो है,
अपने नाना जी के साथ बैठी हुई है और हम घर आ गए हैं। घर आने के बाद में बर्थडे की तैयारी चल रही है और नेक्स्ट ब्लॉग आपको जल्दी मिल जाएगा। और आप चैनल में नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।